Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to discuss the syllabus of English core, code number 301 for class 12th for the session 2024 25. The syllabus, the type of questions are going to remain the same as that of last year. There were also assumptions that maybe this year the syllabus would be divided into two terms there will be two board examinations but uh, most probably there is going to be only one board examination the two board examinations will be followed in the session 2025-26 but as such there has been no indication from the board so we cannot say for certain so let's get down to the nitty-gritty so

Um, ये जो पैसेज हैं ये आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी इंटरप्रिटेशन एनालिसिस और इन्फुरेंस को असेस करेगा इसमें वोकेबलरी असेसमेंट भी होगी और ये असेस होगी थ्रू इन्फुरेंस एंड जो पैसेज है इट कैन बी आइदर फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और लिटरी। फैक्चुअल का मतलब होता है कि रियल फैक्ट्स दिए जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे किसी स्टोरी के बारे में बता किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करे कोई साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हो सकता है लिटरेरी विल बी बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ नरेटिव और अ स्टोरी द सेकेंड पैसेज विल बी अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज फैक्चुअल पैसेज होगा केस बेस्ड होगा केस बेस्ड का मतलब होता है सम काइंड ऑफ स्टडी विल बी देयर सम पाए चार्ट सम बायोग्राफ किसी तरह की कि उसमें फैक्चुअल uh, इंफॉर्मेशन uh, दी गई होगी उसमें विज्युअल एंड या वर्बल इनपुट्स होंगे लाइक स्टेटिस्टिकल डेटा या चार्ट एंड अगेन ये जो पैसेज है ये आपका कॉम्प्रीहेंशन लेवल आपका इंटरप्रिटेशन अनालिसिस इंफ्लुस और इवेल्युएशन स्किल्स को असेस करेगा अब इन दोनों पैसेजेस की जो कम्बाइंड वर्ड लिमिट है दैट इज गोइंग टू बी

And these four marks are divided into one mark for the format, two marks for the content, one mark for accuracy of spelling and grammar. board exams mein ye jo 1 mark for the split, ho jata hai. half mark for spelling and half mark for grammar. So uh, next question hai, that will be based on the invitation. Formal or informal invitation and reply. Again, the word limit is the same: 50 words.

In which you have to give suggestions or opinions on different issues of public interest. Now, these two letters, se you have to attempt any one. Its marks hain, it is of five marks, and they are further divided into one mark for the format, one mark for organization of ideas, two marks for content, and one mark for spelling and grammar. That is half and half. Ho

ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एंड दीज आर गोइंग टू असैस द स्टूडेंट्स अबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड टू इंटरप्रेट टू एनालाइज टू इवेलुएट एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड एक द टेक्स्ट, बियड द टेक्स्ट का मतलब होता है मेकिंग कनेक्शंस इन रियल लाइफ सिचुएशन एंड एक द टेक्स का मतलब होता है दो चैप्टर्स के बीच में आपने कनेक्शन करना है

सिक्स क्वेश्चन ऑफ वन वन मार्क ईच देन यू विल है फ्रॉम द बुक विस्टार्स अगेन इट इज गोइंग टू असैस द कॉम्प्रीहेंशन इंटरप्रिटेशन अनालिसिस इवेल्युएशन एंड क्रिटिकल अप्रिसिएशन इसकी जो वेटेज है फोर मार्क्स की है फोर क्वेश्चन ऑफ वन वन मार्क् ईच एंड द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन लास्ट क्वेश्चन इन देंस एक्सट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है

ये जो क्वेश्चन होंगे ये बेस्ड होंगे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर राइट इनमें इंफ्लेंशियल रिस्पॉन्स होंगे ये दोनों ही क्वेश्चन क्वेश्चन टेन एंड 11 क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी पे बेस्ड होंगे वर्ड लिमिट इज गोइंग टू बी टू मार्क्स एंड क्वेश्चन इलेवन का वेटेज फोर मार्क्स अब क्वेश्चन ट्वेल्व इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इट इज गोइंग टू बी फ्राम द बुक फ्लिमिंगो प्रोज पोइट्री दोनों में से पूछा जा सकता है दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है वर्ड लिमिट इज गोइंग टू बी वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स और ये जो क्वेस्टन है ये चैप्टर में या पोइट्री में कोई इंसिडेंट पे बेस्ड कोई थीम के ऊपर बेस्ड किसी पैसेज के ऊपर बेस्ड एक्स्ट्रैक्ट हो सकता है कोई इवेंट हो सकता है एक्स्ट्रापोलेशन बिओन्ड एंड एक द टेक्स होगा तो ये चीज़ें आपकी असेस होंगी कि आप ये लॉजिकल कनेक्शंस बना सकते हो या नहीं राइट आपके आंसर्स जो होंगे वो एनालिटिकल होंगे इवेल्यूएटिव होंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग फाइव मार्क्स सिमिलरली थर्टींथ क्वेश्चन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम बट दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द बुक विस्टाज दो क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है वर्ड लिमिट इज गोइंग टू बी द सेम वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स और ये जो है ये आपका ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रापुलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट को असेस करेगा आपने एनालिटिकल और इवाल्यूएटिव रिस्पॉन्स देने हैं और आप ये कैसे करोगे बाई यूजिंग इंसिडेंट्स इवेंट्स थीम्स एज रेफरेंस पॉइंट्स चैप्टर में जो जो इवेंट्स हुए आप उनको रेफरेंस बनाकर अपनी एनालिटिक और इवेल्युटिव एबिलिटी को एक्सप्रेस करोगे सो दैट इज हाउ यू विल बी यू नो क्वेश्चन आपका 80 मार्क्स का पेपर बन जाएगा विद दिस वी कम टू द बुक्स विच आर प्रिस्क्राइब बाय एन दिल्ली तो उसमें फर्स्ट बुक इज फ्लेमिंगो दैट इज योर इंग्लिश रीडर एंड द सेकेंड इज विस्टार्ज विच इज़ योर सप्लीमेंट्री रीडर अब फ्लिमिंगो में से जो चैप्टर्स हैं द प्रोज चैप्टर्स आर द लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग डीप वाटर द रैट ट्रैप इंडिगो पोएट्स एंड पैनकेक्स द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस मतलब एट चैप्टर्स हैं नन ऑफ देम है पोएम्स जो हैं दैट आर फाइव पोएम्स जो पहले पोएम थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम इफ यू हैव द ओल्ड बुक तो उसमें ये पोएम थी अब वो डिलीट हो गई है लास्ट ईयर से हमारे पास फाइव पोएम्स हैं

न्यू बुक्स में ये रिवाइज एडिशन में ये डिलीटेड है सो द चैप्टर्स दैट यू गोइंग टू स्टडी इन इज़ द थर्ड लेवल द टाइगर किंग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विच इज कम्पोज ऑफ टू पार्ट्स द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स सो वी हैव डिस्कस्ड एटी मार्क्स वॉट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ट्वेंटी मार्क्स दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन इंटरनल असैसमेंट इंटरनल असेसमेंट इज़ फाइव मार्क्स लिसनिंग स्किल फाइव मार्क्स स्पीकिंग स्किल एंड एक प्रोजेक्ट वर्क होता है विच आप दिसम्बर जनवरी में इवेल्यूट करते हो वो टेन मार्क्स का होता है राइट right? तो उसमें एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है उसमें ग्रुप्स में बच्चे काम करते हैं एंड इट इन्वॉल्व अलॉट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स इफ़ पॉसिबल आई गेट अ वीडियो डन आई मेक अ वीडियो बेस्ड ऑन कम्प्लीट Project work that is the ASL, but for now, this is how the marks are divided for internal assessment. So, with this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Thank you so much for giving me your valuable time. Thank you.